नमस्कार, मैं ज्योति, आप सबका ज्योतिष किचन में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज हम एक सिंपल सी नाश्ते की रेसिपी बनाएंगे जिसका नाम है एक ब्रेड टोस्ट। काफ़ी लोगों को एक टोस्ट बहुत पसंद होता है और ये रेसिपी आप कुछ मिनटों में तैयार कर सकते हैं या फिर आप इसे 2 मिनट वाली टोस्ट भी कह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक टोस्ट की रेसिपी। और हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, इससे मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगा। एक टोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले मसाला मिक्स करेंगे। मसाला मिक्स करने के लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा बाउल लिया है जिसमें आधा ग्लास पानी लेना है। अब इसमें अपने स्वाद अनुसार नमक डालें। मैंने यहाँ पे आधा टीस्पून नमक डाला है। फिर 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, मतलब लाल मिर्च पाउडर। फिर 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी। 1 टीस्पून काला मसाला, जीरा पाउडर 1/4 टीस्पून, अमचूर पाउडर 1/2 टीस्पून और गरम मसाला 1/4 टीस्पून। अभी सभी मसाले डालकर हो चुके हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करके ले। मिक्स करते वक्त ध्यान रखें कि इसमें बिल्कुल लम्स नहीं रहने चाहिए और नमक भी पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाए। आप देख सकते हैं मसाला पूरी तरह से मिक्स हो चुका है। अभी इसे बाजू में रखेंगे और बैटर करना शुरू करते हैं। एक बैटर तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे एक बड़े साइज का बाउल लिया है। अब हम इसमें करीब 15 eggs, मतलब करीब 15 अंडे तोड़ कर ले रहे हैं। 15 अंडे की बैटर से आप कम से कम 30 स्लाइस की टोस्ट बना सकते हैं। याद रखें ये अंडे हमें योल्क के साथ लेना है। और अब हम इसमें हमने तैयार किया हुआ मसाले का मिक्सचर डालेंगे। फिर एक बाउल बारीक कटा हुआ पुदीना डालेंगे। फिर आधा बाउल बारीक कटी हुई धनिया। अब हमारे सब इंग्रेडिएंट्स डालकर हो चुके हैं। अब इसके बाद हमें इस मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स करके लेना है। मिक्स करने के लिए आप बीटर का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर इस तरह हाथ से भी कर सकते हैं या आप चम्मच से भी फेंट सकते हैं। तरीका कोई भी हो, लेकिन मिक्सचर अच्छी तरह से मिक्स होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मसाला नीचे रह जाता है और यह अच्छी तरह से मिक्स नहीं होता। इससे टोस्ट में लम्स आ सकते हैं, इसलिए बैटर को अच्छी तरह से बीट कर ले। मसाला मिक्स करने के लिए हमने पानी का इस्तेमाल किया था। इसका फ़ायदा ये होगा कि ब्रेड के ऊपर जब हम बैटर लगाएंगे तो वो अच्छी तरह से स्प्रेड हो जाएगा और इस तरह से मिक्स करके लेने से नमक भी अच्छी तरह से डिसॉल्व हो जाता है। और आप देख सकते हैं मिक्सचर अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। और अब हम टोस्ट बनाना शुरू करते हैं। टोस्ट फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे एक पैन लिया हुआ है। इसमें 2 टीस्पून तेल डालें। तेल अच्छी तरह से गर्म करके लें और दिखाए गए तरीके से ब्रेड को बैटर में इस तरह से डिप करके लें। डिप करते वक्त ध्यान रखें कि बैटर ब्रेड के ऊपर चारों ओर से स्प्रेड हो जाए। और अब डिप किया हुआ ब्रेड का स्लाइस तेल में फ्राई करना शुरू करते हैं। मेक श्योर कि तेल अच्छी तरह से तप चुका हो। अगर आपको अंडा ज़्यादा पसंद हो तो इस तरह से टोस्ट के ऊपर थोड़ा बैटर स्प्रेड कर सकते हैं। इस तरह से बैटर अंडे के ऊपर स्प्रेड करने से वो ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। अब एक बाजू फ्राई होने के बाद उसे टर्न कर दे और दूसरी बाजू से भी अच्छी तरह से फ्राई करके ले। फ्राई करते वक्त आप गैस मीडियम आंच पे रख सकते हैं। अच्छी तरह से गोल्डन कलर आने तक हमें टोस्ट को फ्राई करना है। ये टोस्ट टेस्ट में इतना टेस्टी होता है कि बच्चे भी इसे चुटकी में ख़त्म कर देंगे। अब आप देख सकते हैं टोस्ट अच्छी तरह से गोल्डन कलर आ चुका है। अब इसे सर्व कर दे। टोस्ट को सर्व करते वक्त उसे सेंटर में कट कर दे और थोड़ा सा ऊपर से चीज़ स्प्रिंकल कर दे। इसे टोस्ट ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद हो तो उसके ऊपर आप चिली फ्लेक्स भी स्प्रेड कर सकते हैं। टोस्ट के साथ आप टोमेटो सॉस भी सर्व कर सकते हैं। दोस्तों, आपको मेरी ये आसान सी टोस्ट वाली रेसिपी कैसी लगी?